दोस्तों WWE रेसलर रिंग में बहुत मारदार और एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई देते हैं, लेकिन जो WWE टेलीविजन पे दिखाई देता है वो रियल नहीं होता। ये खून के प्यासे रेसलर बैकस्टेज एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, और आज मैं 5 ऐसे रेसलर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन, और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, केन एंड अंडरटेकर। यस गाइस, द फिनोम अंडरटेकर एंड बिग रेड मशीन केन रियल लाइफ फ्रेंड्स है। अब ये चीज मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि केन और अंडरटेकर दोनों भाई है, और इनकी भाई वाली केमिस्ट्री को देखते हुए WWE ने ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन टैग टीम बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, केन और अंडरटेकर भाई नहीं है बल्कि फ्रेंड्स है। और एक और फन फैक्ट, के जब अंडरटेकर उनका डेब्यूट करने वाले थे, तब अंडरटेकर का नाम केन द अंडरटेकर होने वाला था, बट अंडरटेकर के डेब्यूट से पहले उनके नाम में से केन निकाल दिया गया। आप क्या आपको इस बारे में पता था, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4, कर्टिस एक्सल एंड ब्रॉक लेसनर। दोस्तों, बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की फ्रेंड्स की लिस्ट बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है, लेकिन कुछ चीजें बाहर आ ही जाती है। आप WWE टेलीविजन पे कर्टिस एक्सल को देखकर कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि ब्रॉक लेसनर उनके फ्रेंड है। मे बी ये WWE की बुकिंग की वजह से हो, बट एक टाइम पे कर्टिस एक्सल और ब्रॉक लेसनर साथ में ट्रेनिंग करते थे, और वही उनकी फ्रेंडशिप भी हुई। और यही नहीं, कर्टिस एक्सल के फादर मिस्टर परफेक्ट ब्रॉक लेसनर के ट्रेनर थे, और ब्रॉक लेसनर ने WWE के इस एक्शन फिगर में कर्टिस एक्सल को ऐड करने के लिए उन्होंने WWE से स्पेशल रिक्वेस्ट भी की थी। नंबर 3, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड रोमन रेंस। आप बिलीव मी गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस रियल में फ्रेंड्स है। आप WWE टेलीविजन पे हमने इनकी खूनी दुश्मनी देखी है, जहाँ ये दोनों ने भी एक दूसरे की हड्डियां तोड़ के रख दी थी, लेकिन इनके इस बोन ब्रेकिंग स्टोरी लाइन के चलते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। और ब्रॉन स्ट्रोमन ने कई बार रोमन रेंस को थैंक्स भी बोला है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन का इतना तगड़ा कैरेक्टर बिल्डअप के पीछे रोमन रेंस का बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 2, पॉल हेमन एंड रोमन रेंस। आप गाइस, आप इस बारे में कमेंट करो कि हमें पहले से ही पता है कि रोमन रेंस और पॉल हेमन फ्रेंड्स है, और रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है और पॉल हेमन उनके स्पेशल काउंसलर। तो गाइस, रोमन रेंस और पॉल हेमन का कनेक्शन 2 या 3 साल से नहीं है, बल्कि उससे भी पहले से। जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फर्स्ट टाइम फ्यूड चल रही थी, उस टाइम भी पॉल हेमन रोमन रेंस को फुल सपोर्ट कर रहे थे। और यही नहीं, रोमन रेंस ने बताया है कि वो पॉल हेमन को बचपन से जानते हैं। और गाइस, अमेरिका जैसी कंट्री में ऐसे यंग एंड ओल्ड पर्सन की फ्रेंडशिप होना बहुत आम सी बात है। एंड नंबर 1 से पहले, बिग शॉट आउट टू रेसलिंग एम्पायर किंग, फ्री फायर एटीट्यूड, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, पहाड़ी गेमर बॉय, बिग स्टार गेमर अभिनव सक्सेना, सत्यम, जफर अली, लविंग सफिया, इन्फोट्यूब एंड अदर्स, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व, द गेमर, लक्ष्मी देवी, व्यूबे व्लॉग एंड जे अंडरस्कोर गेमर। सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो, बट आप सभी को बिग शॉट आउट। एंड मेरे दूसरे भी व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड फाइनली, नंबर 1, ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस। आप गाइस, अभी के टाइम ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को देखकर ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि इन दोनों के बीच दोस्ती ऐसा कुछ हो भी सकता है, बट ये सच नहीं है। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और रोमन रेंस ने कई बार ब्रॉक लेसनर की इन-रिंग परफॉर्मेंस की तारीफ की है। वही ब्रॉक लेसनर ने भी जब रोमन रेंस ने उनके ल्यूकेमिया के बारे में अनाउंस किया था, उस टाइम ब्रॉक लेसनर ने भी रोमन रेंस की हेल्प की थी। सो ओवरऑल दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं है। तो गाइस, ये थे 5 WWE रेसलर की फ्रेंडशिप। आपको इनमें से कितनों के बारे में पहले से पता था, कमेंट करके जरूर बताना। सो बस आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।